अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एस पी डॉट नेट एम बी सी की बेसिक से। हम एस पी डॉट नेट एम बी सी की आज पहली क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं कि एस पी डॉट नेट एम बी सी होता क्या है, किस तरह से इस पे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है, और इंशाल्लाह हम इसको आखिरी लेवल तक ले जाएंगे। ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो है वो एस पी डॉट नेट एम बी सी पर शॉपिंग कार्ट के ट्यूटोरियल्स और एडवांस टॉपिक के ट्यूटोरियल मौजूद हैं। बेसिक ट्यूटोरियल जो है हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। एस पी डॉट नेट एम बी सी एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है। ये टोटली बेस करता है मॉडल व्यू और कंट्रोलर के पैटर्न पर, और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म होते थे पहले, वेब फॉर्म के ऊपर ए एस पी एक्स के पेजेस बनाए जाते थे, जिसके ऊपर जो है वो वेबसाइटें होती नहीं ए एस पी पर। ए एस पी डॉट नेट एम वी सी जो है उसका फाइनल रिलीज इन्होंने 2018 में दिया 5.2। अच्छा, एम वी सी क्या होता है उसको देख लेते हैं। एम वी सी को हम समझने की कोशिश करते हैं, तस्वीर के ज़रिए से हमें आसानी से समझ आ जाएगा। देखें यहाँ ये तस्वीर एक अच्छी तस्वीर है। होता यह है कि जो भी आपका क्लाइंट होता है या जो यूज़र होता है, एक्चुअली वो एक ब्राउज़र के ज़रिए से रिक्वेस्ट करता है आपकी वेबसाइट को व्यू करने के लिए। ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन में ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका आप कोई पेज कॉल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा abc.com, तो मैं एक्चुअली उसका इंडेक्स वाला पेज कॉल कर रहा होता हूँ, index.php या index.asp का पेज। तो पर्टिकुलर पेज खुल के यूज़र को बराह रास्त नज़र आया था, रिक्वेस्ट जाती थी डायरेक्ट सर्वर को, सर्वर पे वो पेज देखा जाता था, अगर वो पेज अवेलेबल है तो वो यूज़र को दिखा दिया जाता था। ये पुराना ट्रेडिशनल तरीका है जो अभी भी इस्तेमाल होता है PHP और ASP की बेसिक क्लासिक वेबसाइटों में। MVC क्या है? MVC वो पैटर्न है कि जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो एक्चुअली आप किसी पेज को रिक्वेस्ट नहीं करते, आप एक कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करते हैं। कंट्रोलर एक बड़ी क्लास होती है, ठीक है, जो कि आपकी लॉजिक मेंटेन करती है सारी एप्लीकेशन की। कंट्रोलर ये देखता है कि जो रिक्वेस्ट आपने जनरेट की है उसके अगेंस्ट में उसके पास कोई मेथड मौजूद है या नहीं, कोई एक्शन मौजूद है या नहीं। अगर एक्शन मौजूद होता है तो एक्शन से फिर क्या काम हो रहा है, वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलती है। अगर एक्शन किसी मॉडल से बात कर रहा है, मॉडल नॉर्मली वो क्लासेस होती हैं जहाँ पर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन की जाती है। अगर उस एक्शन में जो आपने कॉल किया है अगर डेटाबेस के साथ कोई काम है तो रिक्वेस्ट मॉडल पे जाता है, मॉडल अपना रिटर्न वापस कंट्रोलर को देता है, कंट्रोलर उस रिटर्न के जरिए जो डेटा उसे मिला होता है वो व्यू में रखकर व्यू दिखाया जाता है रिस्पांस के तौर पर क्लाइंट को। तो क्लाइंट जो है हमेशा वो व्यूज देख रहे होते हैं, क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं कंट्रोलर को और जो रिटर्न होता है उनको व्यू होता है। तो ज़रा इसको थोड़ा सा खुलकर कह दें तो व्यूज़ बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर है जो कस्टमर को दिखाई जाएगी, जो क्लाइंट को दिखाई जाएगी। मॉडल जो है वो डेटा लेयर है जो कि डेटाबेस के साथ बात करेगा, इसका बराह रास्त कस्टमर से कोई ताल्लुक या जो क्लाइंट है उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। कंट्रोलर वो बीच में एक कंट्रोलर है, ठीक है, एक ऐसी क्लास जो कि लॉजिक बिल्डिंग करती है, बिजनेस लॉजिक लेयर भी कहते हैं इसको, जो सारी चीज़ों को संभाल रहा होता है कि किस कंडीशन पर क्या दिखाना है और किस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कौन सा व्यू रिटर्न करना है। ये थोड़ा सा MVC का इंट्रोडक्शन था। मुख्तलिफ तस्वीरें अवेलेबल है, इसमें मुख्तलिफ बातें लिखी होती हैं। देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि व्यू बेसिकली डिस्प्ले को डिफाइन करता है, UI को। कंट्रोलर के अंदर कंट्रोल लॉजिक होती है कि किस तरह से चीज़ों को चलाना है, और जो मैनिपुलेशन जो होती है वो डेटाबेस के ऊपर वो मॉडल के ज़रिए से होती है जो कि डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, ठीक है। ये MVC का छोटा सा स्ट्रक्चर था। अब मैं एक एप्लीकेशन MVC पर बनाना शुरू करता हूँ। ASP.NET MVC पर काम करने के लिए आपको मिनिमम विजुअल स्टूडियो 2012 जो है वो चाहिए होता है MVC 5 के ऊपर काम करने के लिए। तो मेरे पास इस वक्त विजुअल स्टूडियो 2013 इंस्टॉल है, अभी हम 2020 में हैं तो विजुअल स्टूडियो 2019 भी आ चुका है, ठीक है। आप इंस्टॉल करें, इस्तेमाल करें। नया प्रोजेक्ट बनाने का तरीका, आप न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे, यहाँ से चले जाएं या फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट जनरेट कर लें। ये जो विंडो आपके सामने आई है, हम जिस लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं वो C#, ठीक है। नॉर्मली कुछ बच्चे यहाँ पे विजुअल बेसिक भी देख लेते हैं, ये VB है। देखिए जब आप VB पे क्लिक करते हैं तो ये VB के कोड आपको दिखा रहा होता है कि ये VB पर बनेगा, यहाँ लिखा हुआ है ब्लू कलर से VB। C# पर जाते हैं तो ग्रीन कलर का C# नज़र आ रहा है। एक्चुअली हमारी जो लैंग्वेज है वो C# है, तो हम C# के ऊपर ASP.NET MVC की एप्लीकेशन बनाएंगे। C# पर आप चले गए, इसको खोल लें तो यहाँ से आप वेब पर चले गए। वेब पर जब आप चले जाते हैं तो आपके पास ASP.NET वेब एप्लीकेशन का ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, तो ASP.NET वेब एप्लीकेशन हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर हम एप्लीकेशन का नाम देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने नाम दे दिया फर्स्ट ऐप, ठीक है। इसके बाद हमें इसको कहाँ सेव करना है ये देखना होता है।
अच्छा अब मैं इसको कहाँ सेव कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे लोकेशन अपनी सेट कर लेता हूँ ब्राउज करके अफनान वर्क के अंदर। MVC का मेरे पास एक फोल्डर है जहाँ पे मैं तकरीबन सारी MVC एप्लीकेशन रखता हूँ, वहीं पर उसी फोल्डर में मैं फर्स्ट ऐप को अब सेव कर रहा हूँ। तो देखिए सॉल्यूशन का नाम जो हमें पता है हमारे नेम स्पेस का नाम बनता है वो फर्स्ट ऐप ही बनेगा, ठीक है। ये हमने ओके किया, जैसे ही हमने वेब एप्लीकेशन को ओके किया तो अब आप यहाँ देखें हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। आप एम्प्टी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, मतलब एक वेब एप्लीकेशन होगी जो कि एम्प्टी होगी, उसके अंदर कोई पहले से क्लासेस कोई फाइल्स मौजूद नहीं होगी। दूसरा तरीका है वेब फॉर्म्स, तो ये वेब फॉर्म पुराना तरीका था जो मैंने बताया, ये ASP.NET वेब फॉर्म जो ट्रेडिशनल तरीका था ये उसका है, आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे MVC। जब हम MVC को क्लिक करते हैं देखें यहाँ पर MVC नीचे चेक हुआ हुआ आता है, ठीक है। आपने वेब API को, वेब फॉर्म को और एड यूनिट टेस्ट को अभी चेक नहीं करना, और एक और चेक आपका यहाँ पर लगा होता है माइक्रोसॉफ्ट एजोर के नीचे होस्ट इन द क्लाउड। इस चेक का मतलब ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली होस्ट होगी एजोर अकाउंट पर, तो वो भी आपने चेक, अगर ये हुआ हुआ हो तो आप इसको चेक हटा दो, ठीक है। MVC जब हम सिलेक्ट करेंगे तो होगा कुछ इस तरह से कि जैसे ही हम ये प्रोजेक्ट ओके करेंगे, नया प्रोजेक्ट बनेगा, उसके अंदर कुछ कंट्रोलर कुछ व्यूज़ बने हुए होंगे पहले से, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं और फिर हम उसी जो बनी हुई MVC एप्लीकेशन हमारे सामने आएगी, हम उसी के थ्रू इसका जो पूरा एग्जीक्यूशन पैटर्न है या जो इसका वर्क फ्लो है वो हम देख लेंगे, और उसके बाद जब हम अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट शुरू करेंगे तो हम MVC एप्लीकेशन से शुरू करेंगे, ठीक है। हमने MVC एप्लीकेशन ली है, यहाँ MVC पे चेक हुआ हुआ है और मैंने ओके कर दिया। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में हमारे पास मैंने बताया प्रॉपर्टीज़ के अंदर इस एप्लीकेशन की तमाम प्रॉपर्टीज़ स्टोर हैं, ठीक है। असेंबली इन्फो होती है इसके अंदर, इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंसेस के अंदर वो तमाम रेफरेंसेस हैं जो भी नेम स्पेसेस, जो भी लाइब्रेरीज़ हमारी इस एप्लीकेशन की ज़रूरत हैं। तो जब हम MVC एप्लीकेशन बनाएंगे तो यहाँ बहुत कम रेफरेंसेज होते हैं, फिर हम जैसे जैसे चीज़ें यूज़ करते जाएंगे हम रेफरेंसेज ऐड करेंगे। ऐप डेटा का फोल्डर डेटाबेस के लिए होता है, जब आप कोड फर्स्ट अप्रोच में काम करेंगे तो डेटाबेस इस फोल्डर के अंदर जाके सेव हो जाएगा। ऐप स्टार्ट ये काम की जगह है, सबसे पहले इसके अंदर जो हम देखते हैं वो है राउट कॉन्फिग। राउट कॉन्फिग या रूट कॉन्फिग की जो फाइल है इसके अंदर ये लिखा होता है कि पहला जो सबसे पहली जो हमारी जैसी वेबसाइट चलेगी तो पहला कंट्रोलर और उसके अंदर पहला एक्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैप राउट होता है, राउट्स के अंदर मैप राउट का मेथड है, उसके आर्गुमेंट है नेम, डिफ़ॉल्ट राउट ये है, URL में कंट्रोलर का नाम फिर एक्शन का नाम दिया जाएगा। तो देखें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो दी हुई है, कंट्रोलर का नाम है होम और एक्शन का नाम है इंडेक्स, तो इसका मतलब है जैसी एप्लीकेशन चलेगी होम का कंट्रोलर चलेगा और उसके अंदर इंडेक्स का एक्शन कॉल होगा, ठीक है। और जो पैरामीटर्स है वो ऑप्शनल है। तो अब ये कैसे होगा ये देखते हैं। कंटेंट मैंने बताना था, कंटेंट के अंदर हमारे पास CSS और दीगर तमाम फाइलें, फॉर एग्जांपल वीडियोस, इमेजेस, ये सारी चीज़ें हम कंटेंट के अंदर रखते हैं। स्क्रिप्ट हम जावास्क्रिप्ट सारी स्क्रिप्ट के अंदर रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, जिस तरह हमने बताया बिजनेस लॉजिक लेयर के लिए होता है, तो देखें होम का कंट्रोलर सबसे पहले कॉल हो रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला कंट्रोलर कॉल होगा, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे। फॉन्ट्स के फोल्डर में मॉडल, अगर डेटाबेस के साथ कोई कनेक्टिविटी करनी है तो मॉडल बनाए जाते हैं, और व्यूज़ जो फ्रंट एंड दिखाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब एप्लीकेशन को कोई चलाता है, फॉर एग्जांपल हम इसको डायरेक्ट रन कर देते हैं, फिर हम बताते हैं कि कैसे इस वक्त चल रही है। जैसे हमने एप्लीकेशन को रन किया तो आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। ओके, तो हमारे सामने पहला पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये कौन सा पेज है, देखिए जब हमने चलाया है तो सिर्फ वेबसाइट है कोई जो है वो रूट इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर स्लैश होम लिखें तो देखें एक्चुअली होम एक कंट्रोलर का नाम है, ठीक है, ये वही पेज आ गया। तो हमने देखा कि जब हम डायरेक्टली एप्लीकेशन को रन करते हैं तो कोई कंट्रोलर का नाम या एक्शन का नाम नहीं होता, तो भी देखो होम पेज नज़र आता है हमें, ठीक है। अब ये होम पेज कहाँ से आ रहा है, और अगर हम यहाँ होम के लिंक पे जाते हैं तो भी होम पेज ही आता है, और अगर मैं स्लैश करके होम जो कि कंट्रोलर का नाम है ऐसे चलाऊँ तो भी यही पेज आता है, स्लैश इंडेक्स जो कि एक्शन का नाम है ये भी चलाऊँ तो ऐसे ही आता है, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, तो देखें हमारी एप्लीकेशन में, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होम है और एक्शन उसका इंडेक्स है, तो हम होम के कंट्रोलर पे जाते हैं। ये देखें होम का कंट्रोलर जो कि एक क्लास है, ठीक है, होम कंट्रोलर, होम इसका नाम है, कंट्रोलर इसका पोस्टफिक्स है, ज़रूर ज़रूर लिखना होता है, और ये इनहेरिट करता है कंट्रोलर की क्लास, ठीक है। इसके अंदर जो एक्शन है वो है इंडेक्स, सही भी एक्शन रिजल्ट इंडेक्स जो हम फ्रंट एंड पे कॉल कर रहे हैं। तो देखिए इंडेक्स के मेथड में एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप एक्शन रिजल्ट,
मतलब जब भी ये कॉल होगा कि ये कोई ना कोई एक्शन रिजल्ट जनरेट करेगा, तो रिटर्न क्या कर रहा है, व्यू, इंडेक्स का व्यू। तो अब जो हमें नज़र आ रहा है, मतलब जब कॉल कर रहे हैं हम फ्रंट एंड से, तो हम इस कंट्रोलर के अंदर इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, लेकिन हमें व्यू मिल रहा है। अब ये व्यू कहाँ पर है वो देखें, तो देखें व्यूज के अंदर होम का फोल्डर है एक्चुअली हमारे कंट्रोलर के नाम से, इसके अंदर इंडेक्स का डॉट सी एस एच टी एम एल का पेज है, ये है व्यू। इसको मैं ज़रा खोल देता हूँ, इसको क्लिक करें तो देखें आपको इसका कोड नज़र आ जाएगा। ये वो पेज है जो हम इस वक्त फ्रंट एंड पे देख रहे हैं। आप देखें ज़रा गौर से, यहाँ पर लिखा हुआ ASP.NET इज़ अ फ्री फ्रेमवर्क। तो देखें हम यहाँ पर, ये रहा ASP.NET इज़ अ फ्री वेब फ्रेमवर्क, ठीक है जी। तो ये हमारा इंडेक्स का पेज इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अगर हम अभी इस वक्त एप्लीकेशन रनिंग सिचुएशन में इसको स्टॉप कर लेते हैं, एप्लीकेशन हमने रोक दी, अब जब हम यहाँ जाकर इस पे होम पे क्लिक करेंगे तो देखें ये हमें बताएगा कि सर्वर इस वक्त नहीं चल रहा। तो बेसिकली ये देखें एरर आ गया। तो ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि देखें आप यहाँ पर गौर से देखें लोकल होस्ट लिखा हुआ है। अब ये लोकल होस्ट क्या है, यहाँ जब हम एंटर करते हैं लोकल होस्ट पे जाकर, बेसिकली ये एक वेब सर्वर है जो कि वेबसाइट की सर्विसेज देता है, क्योंकि ASP.NET एक डायनामिक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ठीक है, डायनामिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट लैंग्वेज है। तो हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो सर्वर पर चल रही है, और वो सर्वर ये है जिसको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, या शॉर्ट फॉर्म में आप इसको IISP कहते हैं, इसका जो एब्रीवेशन है वो IIS है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर है। इसके ऊपर हमारी ASP.NET की एप्लीकेशन रन हो रही होती है, ठीक है। तो आप अपने ब्राउज़र में जाके लोकल होस्ट लिख एंटर करें तो आपको IIS मिल जाएगा। अगर IIS नहीं भी इंस्टॉल होगा तो वो फिर हम जब इसको होस्टिंग की बात करेंगे तो मैं सिखाऊंगा IIS को कैसे इंस्टॉल करते हैं। वैसे आपके पास विजुअल स्टूडियो से जब आप रन करेंगे तो ये अपना जो है एक स्टैंडर्ड IIS के साथ ये रन कर देता है, ठीक है। तो ये पहला लेक्चर यहाँ तक काफ़ी है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरह से इसके अंदर अपने पेजेस वगैरह बनाए जाते हैं।